How are you? Today we have to learn chapter 2, long and short, page number 16. Okay, so page number 16 pe new topic, inter school sports meet race. This is a 100 meter race for girls. Arundhati is nearest the finishing line. Look at this girl. First girl is Arundhati. It is nearest from finishing line, 6 meter. She is about 6 meter from it. Behind her is Rehana. Konkana and Uma are running behind the Rehana. That means two girls, Konkana and Uma are running behind the Rehana. Look at this picture. That means first girl is Arundhati, second Rehana, and behind the Konkana and Uma. To answer the question below, choose from this distance. Yani ke hume ye distance choose karna hai. Question ko understood hoke. How far is Rehana from Arundhati? So Rehana Arundhati se 3 meters ki duri pe hai. Okay, so yahan pe answer aayega 3. Aapko yahan pe write down karna hai 3 meter. Okay, second question. How far ahead is Rehana from Konkana and Uma? So Konkana and Uma Rehana se 6 meter ki duri par hogi. Okay, so yahan pe answer aayega 6 meter. Okay, how far are Konkana and Uma from finishing line? That means आप देख सकते हो कि Konkana and Uma finishing line से कितनी दूरी पे है. So Arundhati 6 meter पे है, Rehana Arundhati से 3 meter की दूरी पे है. कितने meter की दूरी पे है? 3 meter की दूरी पे है. Okay, and Rehana Konkana and Uma रेहाना से कितने मीटर की दूरी पर है? 6 मीटर की दूरी पे है. ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि हाउ फार Konkana एंड Uma फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, यानी कि फिनिशिंग लाइन से Konkana एंड Uma कितनी दूरी पे है. दैट मींस ये जो डिस्टेंस है वो टोटल होगा. सो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15. सो आंसर आएगा 15 मीटर. ओके, अगेन फर्स्ट गर्ल इज Arundhati. Arundhati फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर की दूरी पे है. अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि Rehana और Arundhati का डिस्टेंस कितना है. सो 3 मीटर का हमने चूज़ किया. ओके, और Uma एंड Konkana Rehana से कितने मीटर की दूरी पे है. सो हमने 6 मीटर का डिसाइड किया. अब लास्ट क्वेश्चन क्या था कि Konkana एंड Uma फिनिशिंग लाइन से कितने मीटर की दूरी पे है. सो ये डिस्टेंस का टोटल होगा 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 6 15. सो यहाँ पे आंसर आएगा 15. दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है 15 मीटर. हैव यू हियर्ड अबाउट 1015 मीटर और 300 मीटर रेस? ओके, हैव यू हियर अबाउट, दैट मीन्स आपने सुना है कि 1500 मीटर की रेस और 3000 मीटर की रेस. यस, यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर्स मेक अ 1 किलोमीटर. या 1000 मीटर मेक अ 1 किलोमीटर, यानी कि आपने हमने ये फॉर्मूला देखी भी है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके, यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर्स मेक अ 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर हाफ अ किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर 1000 का हाफ पार्ट है. दैट मीन्स हाफ अ किलोमीटर. ओके, सो यू कैन से इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन डैक्स किलोमीटर, यानी कि 1500 मीटर पीपल से पीपल रन डैक्स किलोमीटर. सो 1500 मीटर को हम क्या कहते हैं कि 1000
थाउजेंड प्लस 500 मीटर हुआ 1000 मीटर एंड 500 मीटर हुआ 1500 मीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर एंड 500 मीटर. सो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर का क्या लिखना है 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर सो इट इज़ अ हाफ सो 1.5. अगेन 1500 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट किया 1.5 किलोमीटर में, बिकॉज 1500 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 प्लस 500 मीटर सो 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर एंड हाफ तो 1.5. ओके ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ. सो सेकंड एग्जांपल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेकंड एग्जांपल आप 3500 मीटर इज इक्वल टू डैक्स किलोमीटर. सो 3500 मीटर इज इक्वल टू 3000 प्लस 500 3000 मीटर एंड 500 मीटर. सो 3000 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 3 मीटर सो 3.5 किलोमीटर. सो यहाँ पे आएगा 3.5 किलोमीटर, दैट मीन्स 3.5 किलोमीटर को हम 3500 मीटर भी राइट डाउन कर सकते हैं. ओके सो इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन डैक्स किलोमीटर. सो यहाँ पे आंसर आएगा 1.5, क्या आएगा 1.5 किलोमीटर 1.5. इन अ 1000 मीटर रेस पीपल रन फ्रॉम 3 किलोमीटर वाई. इन अ 1000 क्या था, इन अ 1000 मीटर, इन अ 1000 मीटर रेस, इन अ 1000 मीटर रेस पीपल रन, पीपल रन, पीपल रन डैक्स किलोमीटर. सो आंसर क्या आएगा 3 किलोमीटर. वाई, बिकॉज 3000 मीटर. सो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर सो 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर. ओके सो आंसर आएगा 3 किलोमीटर, बिकॉज 3000 मीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 सो 3 एज इट इज. ने 1000 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर, 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके सो 3000 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर. ओके सो नेक्स्ट वर्कबुक है. ओके वर्कबुक विकास मैथमेटिक वर्कबुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 14 एज इट इज है. क्वेश्चन नंबर 14 एज इट इज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ द पिक्चर एज इट इज है. ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको कंप्लीट करना है. ओके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसी तरह का एज इट इज क्वेश्चन है. सो वो आपको क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करना होगा एंड देन नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं. ओके थैंक यू.